हेलो गाइस, आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं ओलिविया हर्बल ब्लीच का। जिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इस ब्लीच को किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए और आज इस ब्लीच को मैं आपको अपने फेस पे यूज़ करके दिखाने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ओलिविया हर्बल ब्लीच है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है ओलिविया हर्बल ब्लीच। एंड गाइस, इस ब्लीच के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें यूज़ किया जाता है हल्दी, चंदन, एलोवेरा एंड नींबू। गाइज, आप देख पा रहे होंगे इन सभी चीज़ों से मिलके ये ओलिविया ब्लीच बनी हुई है। एंड गाइज, इस ब्लीच के प्राइस और क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 7.5 ग्राम का पैक है और इसका प्राइस है 20 रुपीज़। और ये ब्लीच आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगी। एंड गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ब्लीच को यूज करने का यहाँ पर इन्होंने पूरा तरीका यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इस ब्लीच के बॉक्स पे लिखे हुए तरीके को भी फॉलो करके आप इस ब्लीच को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। तो चलिए गाइज, हम इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके बॉक्स में हमें इसकी क्रीम मिल जाती है जिसका वेट है 6.5 ग्राम। एंड गाइस, इसके बाद यहाँ पर हमें इस ब्लीच का एक्टिवेटर मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे पैक में यहाँ पर आपको इसका एक्टिवेटर मिल जाता है जिसका वेट है 1 ग्राम। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको इस ब्लीच को यूज करके दिखाने वाला हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि आपको इस ब्लीच को किस तरीके से यूज करना चाहिए। सो गाइस, इस ब्लीच को मिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको एक खाली बाउल ले लेना है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक खाली बाउल ले लिया है और अब इस बाउल में मैं इस क्रीम को और इसके एक्टिवेटर को मिक्स करने वाला हूँ। सो गाइस, पहले मैं इसकी क्रीम ले रहा हूँ और इसे कट करने के बाद मैं इस बाउल में इस क्रीम को अच्छी तरीके से यहाँ पर निकाल लेता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस पूरी क्रीम को यहाँ पर इस खाली बाउल में निकाल ली है और आपको भी इसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले इसकी क्रीम ले लेनी है और खाली बाउल में निकाल लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी क्रीम हमें यहाँ पर येलो कलर की देखने को मिल जाती है। एंड गाइस, इसके बाद यहाँ पर मैं इसका एक्टिवेटर ले लेता हूँ। गाइस, आपको इस क्रीम में एक्टिवेटर मिक्स करने से पहले आपको एक बात को हमेशा याद रखनी है कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में क्रीम में एक्टिवेटर मिक्स नहीं करना है। आपको इस एक्टिवेटर को केवल हाफ पीस में यूज़ करना है। आपको इस ब्लीच में जो एक्टिवेटर का पाउच मिलता है आपको इस पूरे एक्टिवेटर को इस क्रीम में नहीं डालना है, आपको केवल आधा ही एक्टिवेटर इस क्रीम में डालना है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी पूरी क्रीम ली है और इसमें आधा पाउच एक्टिवेटर का डाला है और अब मैं इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेता हूँ। गाइस, आपको अपनी फिंगर की मदद से इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। गाइस, जब आपका एक्टिवेटर इस क्रीम में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए उसके बाद ही आपको इस ब्लीच को अपने फेस पे अप्लाई करनी है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ब्लीच को मिक्स करते हुए लगभग मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा एक्टिवेटर इस क्रीम में अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स हो चुका है। गाइज, आपको अपने फेस पे ब्लीच करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके फेस पे कोई भी मेकअप या आपके फेस पे कोई भी क्रीम नहीं लगी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और अच्छे से ड्राई कर लेना है, उसके बाद ही आपको अपने फेस पे ब्लीच को अप्लाई करना है। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने हैंड पे यहाँ पर इस ब्लीच को आपको लगा के दिखा देता हूँ। सो गाइज, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पर इस मॉडल ने अपने पूरे फेस पे इस ब्लीच को लगाई है, वैसे ही आपको अपने आंखों और लिप्स के एरिया को छोड़ के अपने पूरे फेस पे इस ब्लीच को अच्छे तरीके से यहाँ पर लगा लेना है। एंड गाइज, इसके बाद आपको 10 से 15 मिनट के लिए इस ब्लीच को अपने फेस पे छोड़ देना है। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ब्लीच को लगाए हुए मुझे लगभग 10 से 15 मिनट हो चुकी हैं और अब इस ब्लीच को मैं अपने हैंड से अच्छे तरीके से साफ कर लेता हूँ। आप अपनी वीडियो में देख पा रहे होंगे आपको अपने फेस को इसी तरीके से यहाँ पर स्पंज की मदद से अपने फेस से इस ब्लीच को अच्छी तरीके से साफ कर लेनी है और ब्लीच को साफ करने के बाद आपको अपने फेस को नॉर्मल वाटर से अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने हैंड से इस ब्लीच को अच्छी तरीके से साफ कर ली है और अपने हैंड को नॉर्मल वाटर से वॉश भी कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जिस एरिया में यहाँ पर इस ब्लीच को लगाई है वहाँ से मेरे हेयर काफ़ी ब्राउन नज़र आ रहे हैं और वहाँ से मेरा हैंड भी काफ़ी फेयर नज़र आ रहा है। और आपको इस ब्लीच के बारे में और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।